हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स स्टॉक्सैक्टर होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पुट कॉल रेशियो पार्ट थ्री एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर पीसीआर एनालिसिस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस टू वीडियोस, फ्रेंड्स अगर आपने हमारे पिछले दो वीडियोज पी के ऊपर नहीं देखे हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू तो प्लीज आप उनको फॉलो कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पीसीआर रेशियो की पूरी थ्योरी डिस्कस की थी और डिटेल में देखा था कि पीसीआर रेशियो को आप कैसे यूज कर सकते हैं और उसमें हमने निफ्टी का एक एग्जाम्पल लिया था कि इंडेक्स में आप पीसीआर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं फिर हमने पार्ट टू में एक स्टॉक के साथ डिस्कस किया था कि पीसीआर को एक स्टॉक के साथ आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर हम क्विकली देख लें तो हमने जो फोर सिनेरियोस डिस्कस किए थे पुटकॉल रेशियो के उसमें से हमने स्ट्रॉन्ग पुलिस सिग्नल वाला सिनेरियो ऑलरेडी कवर कर लिया है एक निफ्टी के साथ और पार्ट टू में एक स्टॉक के साथ अब फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल वाला वीडियो और साथ में जो सिग्नल ऑफ बॉटमिंग आउट का जो एक होता है कि जहां से हमें रिवर्सल मिलेगा यानी डाइवर्जेंस केस यानी थर्ड एंड फोर्थ केसेस तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और हम एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले फ्रेंड्स जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि जो हमारे डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज के जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जिसमें हमने पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं, आप प्लीज इनको देखिए और उसके बाद आप पार्ट थ्री जो कि करंट वीडियो आप इस पर आ सकते हैं अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे डेली मार्केट एनालिसिस वीकली मार्केट एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस के जो भी हम ट्यूटोरियल वीडियोस आप पोस्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं जो इंडिकेटर्स हमने अपने डैशबोर्ड में दिखाएं कि किस तरह से आप डेरिवेटिव एनालिसिस को यूज करके इफेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं और डेरिवेटिव एनालिसिस कितनी इफेक्टिव होती है तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं हम जो स्टॉक का एग्जाम्पल अपने इस ट्यूटोरियल वीडियो में ले रहे हैं वो है आईटीसी का स्टॉक अभी कुछ दिन पहले ही हमने आईटीसी में ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया था अगर आप देखेंगे हमारे वीडियोस में जाके तो हमने आईटीसी पे एक ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आईटीसी ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है काफी मल्टी मंथ जो रेजिस्टेंस चल रहा था और अब उसका क्या आगे ट्रेंड बन सकता है तो हम उससे अब पीछे जाएंगे थोड़ा यानी हम ये देखेंगे कि कब उसमें बियरिश सिग्नल जनरेट हुआ था हम तीन चार महीने पहले जाएंगे और वहां से देखेंगे जो दो सिनेरियोस हम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं पहला सिग्नल होना और दूसरा रिवर्सल होना। तो करते हैं। so, friends, को करने के लिए हम अपने डैशबोर्ड के में जाएंगे और हम आई स्टॉक को फिल्टर करेंगे तो फॉर द कन्वीनियंस आई हैव ऑलरेडी फिल्टर दी स्टॉक डेटा अप टू सिक्स बाई कैन सी द डेटा टू थ्री मंथ्स बट अभी

केस इज सिग्नल एंड द सेकेंड यूज केस जिसमें हम देखते हैं कब मिलता है पीसीआर को यूज करके और हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है सो so फ्रेंड्स हम जो डे चूज करेंगे वो हम देखेंगे कि जो अगस्त का जो एक्सपायरी डे था हम वहां से स्टार्ट करेंगे और वहां से आगे देखेंगे कि किस तरह से इवेंट्स इवेंचुअली डेवलप हुए आईटीसी में और कैसे हमें उसके सिग्नल्स मिले 27 यानी ट्वेंटी को आ, अगर आप देखेंगे तो ट्वेंटी को एक्सपायरी थी आ, जो अगस्त की एक्सपायरी थी उस डे से हम स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे कि किस तरह से इवेंट्स आउट हुए तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो ब्लू लाइन है वो पहले से ही गिरना चालू हो गई थी तो आप देखेंगे कि किस तरह से पीसीआर लेवल ऑलरेडी यहां पे था लो पे था उसके बाद पीसीआर लेवल पे एक जंप आया 27 को तो अगर हम देखें कि 27 को यानी एक्सपायरी वाले दिन आ, क्या हुआ एग्जैक्टली exactly, तो हम देखेंगे कि ट्वेंटी ऑफ जो ऑगस्ट था आप उस उस दिन देखेंगे कि आपको पुट राइटिंग देखने को मिली तो ओ आई चेंज है ये उस दिन का तो मैंने उस दिन के स्नैपशॉट्स रखे हैं तो आप देख सकते हैं कि 27 तारीख का जो स्नैपशॉट था उसमें हमें एक्सपायरी वाले दिन पुट राइटिंग देखने को मिली और फिर साथ में आ, हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 200 पे है ओके okay, और साथ में हमें उस दिन क्योंकि एक्सपायरी डे था तो लोगों ने प्रीमियम के लिए पुट राइटिंग करी है तो इसीलिए हमें पीसीआर में एक हल्का सा जंप देखने को मिला तो आप आप देख सकते हैं कि यहां पे 27 को हल्का सा जंप और फिर 28 को को भी हमें पीसीआर में एक जंप देखने को मिला और प्राइस साथ में हल्का सा डिक्लाइन हुआ तो हम देख लेते हैं कि ट्वेंटी को क्या इवेंट हुआ तो आप देखेंगे ट्वेंटी को भी ज्यादातर कॉल राइटिंग ही हुई बट मार्जिनल पुट राइटिंग भी हुई जिसकी वजह से जो पीसीआर ऑलरेडी बहुत लो था उसमें स्लाइड जंप आया तो हम देख सकते हैं कि आप देख सकते है कि 195 पे था 200 से नीचे था और हमने देखा दोनों ग्राफ्स में मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो है वो कहां पे है 200 पे तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग 200 पे वो आपको बैंड से भी दिख रहा है पे। तो अगर आप सेम uh, इवेंट को सेम डेट को यहां पे देखेंगे 27, 28, तो आपको ये बैंड जो हम साथ में दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग और मैक्सिमम पुट राइटिंग कहां पे है तो आपको उससे पता चल रहा है कि जो स्ट्रांग सपोर्ट जोन है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन कहां पे है तो लेकिन अगर आप उसको ऑप्शन चेन में और देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टू का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है ओके एज कंपेयर टू जो वन में पुट राइटिंग है तो यानी पीसीआर लेवल तभी वन से नीचे है और काफी काफी नीचे है इसका क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग फिर फ्रेंड्स हम आगे इवेंट्स देखते हैं तो उसके बाद क्या हुआ आपने देखा कि प्राइस गिरने लगा और साथ में पीसीआर में डिक्लाइन आया तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड सिनेरियो पे वो स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है अब सॉरी जो फर्स्ट सिनेरियो हमने बोला कि स्ट्रांग बियरिज सिग्नल ओके तो यहां से जब लगातार स्टॉक गिरने लगा और पीसीआर लेवल भी गिरने लगा साथ में तो ये एक स्ट्रांग बियरिज सिग्नल है क्योंकि कॉल राइटिंग जो है वो बहुत तेजी से हो रही है और पुट राइटिंग नहीं हो रही है तो यानी और साथ में अगर हम ऑप्शन बैंड को देखें तो आप देख रहे हैं कि लगातार पुट राइटर्स जो है वो बेस नीचे शिफ्ट होता हुआ जा रहा है और रेजिस्टेंस का भी तो आप देखेंगे कि अगर हम पूरे इस मंथ की बात करें सेप्टेंबर के तो आप देखेंगे कि सेप्टेंबर का जो ये पूरा मंथ चल रहा है तो आप देख रहे हैं कि लगातार सेप्टेंबर मंथ में पहले जो मैक्सिमम पुट राइटिंग थी वो 190 पे थी फिर 180 पे हुई और फिर 170 पे हो गई लास्ट में आते आते सितंबर के एक्सपायरी के आसपास तो वो हमें यहां पे देखने को भी मिल रहा है पीसीआर में कि लगातार स्टॉक गिर रहा है और पीसीआर लेवल भी गिर रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ओके तो ये ये सेकंड सिनेरियो था जहां पे हमने कि कैसे हम पता लगाएं कि पीसीआर uh, की जो अभी डाउन ट्रेंड में है स्टॉक तो जो स्ट्रॉन्ग बियरिज सिग्नल है तो हमें उस स्टॉक को अभी बाय नहीं करना है राइट right? तो वो हमें क्योंकि दिख रहा है कि जो स्टॉक है वो नॉ बियर्स की ग्रिप में है मतलब जो मंदी वाले लोग हैं उनकी ग्रिप में है वो स्टॉक और बहुत स्ट्रॉग सेलर्स बैठे हुए हैं उस स्टॉक में तो और बायर्स जो हैं वो वीक हैं क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है ऊपर के लेवल्स पे और हमें राइटर्स के परस्पेक्टिव से सोचना है कॉल बायर्स के परस्पेक्टिव से नहीं सोचना है देखिए मार्केट में जो भी पोजीशंस बन रही हैं ऑप्शंस में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फ्यूचर्स में तो ऑप्शन में जितने बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स होते हैं लेकिन डिफरेंस क्या होता है उनके स्ट्रेंथ में क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस गिर रहा है और साथ में पीसीआर लेवल गिर रहा है तो यानी स्ट्रॉन्ग सेलर है इस समय सेलर ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू बायर ओके तभी वो प्राइस को नीचे पुश कर रहा है तो हमें सेलर के परस्पेक्टिव से सोचना है क्योंकि सेलर आर द पीपल विद डी पॉकेट एंड वेरी रिसोर्सफुल पीपल क्योंकि वो बड़े लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा है क्योंकि जो मार्जिन जाता है ऑप्शन सेल करने में या राइट करने में जिनको राइटर्स बोलते हैं वो फ्यूचर के बराबर जाता है देखिए बायर के लिए जो ऑप्शन अगर बाय करना है तो आप बहुत ही कम अमाउंट से बाय कर सकते हैं और आपका मैक्सिमम रिस्क भी डिफाइंड है क्योंकि अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हैं सपोज आप प्रीमियम अप फ्रंट पे कर रहे हैं पंद्रह बीस हजार से पैंतीस हजार तक का मैक्सिमम आप प्रीमियम पे कर रहे हैं अगर आप एक किसी भी दूर के स्ट्राइक प्राइस का कर रहे हैं तो वो और कम होगा अगर पास के एट द मनी के आसपास का इन द मनी के बाय कर रहे हैं तो आप पैंतीस हजार से चालीस हजार मैक्सिमम और अगर आउट द मनी बाय करें तो दस से बीस हजार रुपये का ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट तो और आपको मैक्सिमम लॉस पहले ही पता है कि एक्सपायरी पे अगर वो आउट ऑफ द मनी रहा तो ऑप्शन जीरो हो जाएगा राइट उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपको पहले से ही अपना लॉस पता है मैक्सिमम लॉस लेकिन अगर आप सेलर्स के परस्पेक्टिव से सोचेंगे तो सेलर्स एक तो अनलिमिटेड रिस्क लेके चल रहा है क्योंकि एक तो मार्जिन भी ज्यादा पे कर रहा है सेल करने में और दूसरा अगर मूवमेंट उसके अगेंस्ट हो जाता है अगर वो सेल कर रहा है और ऑप्शन इंदा मनी चले जाता है तो उसका लॉस अनलिमिटेड है तो फ्रेंड्स वैसा क्यों कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत रिसोर्सेस है और नॉलेज है उसको उसको पता है कि इसीलिए वो अपना स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के बैठा हुआ है स्टॉक में तो इसीलिए आप अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड हमें दिख रहा है उसके बाद अगर हम देखें कि किस तरह से इवेंट्स फोल्ड आउट हुए तो अगर हम उसको ग्राफ में भी देखेंगे फ्रेंड्स, तो अब हम आ जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन हुआ पीसीआर फिर हम एक्सपायरी वाले से ट्वेंटी फोर्थ को तो अगर हम ट्वेंटी को एनालाइज करें तो आप देखेंगे आपको बताया किसी भी स्टॉक में इन जनरल इन जनरल पॉइंट uh, थ्री से पॉइंट फोर के बीच में जब पीसीआर आ जाता है तो हम उसको ओवरसोल्ड एक जोन मानते हैं पीसीआर का तो वहां पे क्या होता है कि हम कह देते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा पुट uh, uh, जो है कॉल राइटिंग हो चुकी है और uh, वहां से हो सकता है कि हमें uh, एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है बट अभी हमें सिग्नल देखना है उसका तो अभी हम uh, ये रेंज हमें पता चल गई है 0.3 से 0.4, बट हमें अभी उसका सिग्नल भी फॉलो करना है तो अब आप देखेंगे कि पीसीआर में एकदम से एक्सपायरी के नेक्स्ट डे तो अगर एक्सपायरी वाला दिन हम एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि कॉल लोअर स्ट्राइक प्राइसेस ज्यादा है कंपेयर टू पुट राइटिंग और सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग थी वो ऑब्वियसली 200 पे थी लेकिन आप देखेंगे 180 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी तो स्टॉक प्राइस जो था वो उससे नीचे ही बंद हुआ तो सेलर्स को प्रॉफिट हुआ अल्टीमेटली आप देखेंगे फोर्थ ऑफ सेप्टेंबर को वन uh, एटी से नीचे एक्सपायरी हुई है तो आपने देखा क्योंकि वहां पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स थे तो उन्होंने प्राइस को ऊपर नहीं उठने दिया और पूरा पूरा प्रीमियम जो था वो कॉल uh, का वो उन्होंने uh, खा लिया तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि अक्टूबर में क्या हुआ उसके बाद पीसीआर में एक जंप आया हमें जंप देखने को मिला और फिर से हमें uh, वो जंप इसलिए हुआ क्योंकि uh, जो है कॉल्स अनवाइंडिंग हुई ठीक है रेदर देन तो आप देखेंगे कि यहां पे क्योंकि बेस जो है अगर अब हम अक्टूबर मंथ को एनालाइज करते हैं तो अक्टूबर मंथ में आपने देखा यहां पे स्लाइड जंप है लेकिन फिर पीसीआर लगातार जो है गिर रहा था और स्टॉक प्राइस अभी ऊपर नहीं गया तो आपको अभी सिग्नल नहीं मिला स्टॉक प्राइस देखिए अभी कंसोलिडेट करने लग गया है उसी रेंज में 160 से 170 के बीच में और पीसीआर अभी भी गिर रहा है राइट तो हमें जो पीसीआर का वेट करना है तो अब हम तीसरे केस की बात कर रहे हैं हमें बेरिज सिग्नल तो मिल ही गया है ये दूसरा केस है जहां पे हमें बेरिज सिग्नल मिल रहा है कि पीसीआर अभी भी गिर रहा है स्टॉक प्राइस उतना नहीं गिर रहा है रोटेट कर रहा है तो हमें यहां पे थोड़ा सा पता चल रहा है कि पीसीआर लगातार जो है फिर से एक जंप लेके गिर रहा है हल्का हल्का और हमें वेट करना है पीसीआर के कंसोलिडेट होने का मतलब पीसीआर के स्टिल होने का या रिवर्स होने का और आप देख रहे हैं कि यहां पे स्टॉक प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है तो यानी जो अक्टूबर का पूरा मंथ था उसमें कंसोलिडेशन हुआ उसमें हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बैंड में भी अगर हम देखें

जैसे ही अक्टूबर की एक्सपायरी पास आई तो यानी जो हमारा अक्टूबर का तो अगर हम अक्टूबर का जो डे दे देखें अब आप देखते हैं अक्टूबर को तो अक्टूबर को मैंने यहां पे देखा है कि जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर में कॉन्सोली हुआ तो यहां पे मैंने इस टेबल में जो हम नीचे दिखाते हैं तो ये टेबल का स्नैपशॉट मैंने लिया है तो आपको दिखाने के लिए कि अक्टूबर में क्या हुआ तो आप देखेंगे कि अक्टूबर में कुछ जैसे बहुत हल्की हल्की कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग चलती रही तो जैसे बताया कि वो फेज था तो मैं दोनों साइड में कोई बहुत ज्यादा मेजर एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली कॉल और पुट राइटिंग में तो जैसा कि मैंने बताया उसके बाद जो एक्सपायरी वाला दिन आया तो जो एक्सपायरी वाला दिन आया हमारा अक्टूबर मंथ का तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख सकते हैं कि ट्वेंटी नाइन्थ को एक्सपायरी हुई तो एक्सपायरी वाले दिन हम अगर चार्ट में देखें तो क्या हुआ एक्सपायरी वाले दिन अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी वाले दिन हमें पीसीआर में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और एक बॉटम देखने को मिला यहां पे आप देख सकते हैं कि पीसीआर उस दिन भी 29 को गिरा लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ 30 को तो अक्टूबर का मंथ पूरा कंसोलिडेशन में निकला उसके बाद 30 को क्या हुआ यानी नेक्स्ट फ्राइडे तो अगर हम उसको एनालाइज करें थर्टी को तो मैंने थर्टी का स्नैपशॉट ले रखा है तो आप देखेंगे एकदम से वन पे वन फिफ्टी पे और वन पे एकदम से पुट राइटिंग बढ़ गई और हमें एक स्पाइक देखने को मिला पुट राइटिंग पे तो फ्रेंड्स यहां से हमें पता चलने लगा थर्टीए से यानी अक्टूबर की एक्सपायरी जब खत्म हुई और नेक्स्ट एक्सपायरी नवंबर की स्टार्ट हुई तो पहले दिन ही हमें एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली लोअर स्ट्राइक प्राइसेस पे जहां पे ऑलरेडी वो स्टॉक फ्लक्चुएट करा था 160 से ऊपर ही रहा अक्टूबर के मंथ में और 160 से 170 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा और 160 में तब तक अभी सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग नहीं हो रही थी तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि वन एक बेस बन रहा है जब तक हमें वहां पर पुट राइटर्स नहीं बताएंगे जो लोग आके पुट राइट नहीं करेंगे कि उन्हें भी कंफर्ट आ गया है कि 160 एक बेस बन चुका है तो हमें उसका वेट करना है तो जो तीसरा केस मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूं कि हमें बॉटमिंग आउट के सिग्नल्स कब मिलेंगे वो बॉटमिंग आउट के सिग्नल्स तब मिलेंगे जब कॉन्सोलिडेशन हो रहा है और कॉन्सोलिडेशन से नेक्स्ट इमीडिएट जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं हमें वहां पे पुट राइटिंग देखने को मिलनी चाहिए और अच्छी पुट राइटिंग होनी चाहिए तो जब वो पुट राइटिंग होने लगेगी तो यानी जो राइटर्स हैं नाउ दे हैव स्टार्टेड फीलिंग और और दे हैव गॉट द कॉन्फिडेंस दैट द स्टॉक हैज कंसोलिडेटेड एट एंड इट हैज मेड द बॉटम एंड नाउ इट विल नॉट गो डाउन फर्दर तो वहां पर हमें पुट राइटिंग देखने को मिलनी चाहिए विद कॉन्फिडेंस और वो हमें देखने को मिली थर्टीएथ को तो उसके बाद आप देखिए थर्टीएथ के बाद क्या हुआ तो अगर हम थर्टीएथ के बाद देखें तो उसके बाद स्टॉक में रिवर्सल आना शुरू हो गया और आप देखेंगे कि ये अगर हम स्पाइक को एनालाइज करें तो अगर हम एक मूविंग एवरेज बनाएंगे ऊपर ट्रेंडिंग लाइन ही बनेगी ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे पीसीआर का तो ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गया तो आप देखेंगे पीसीआर की वैल्यू यहां पर बॉटमिंग आउट होके उसके बाद वो बढ़नी शुरू हो गई और पीसीआर के साथ स्टॉक प्राइस भी ऊपर मूव करना शुरू हो गया तो यानी क्या हुआ और और उसी को अगर हम बैंड में भी देखें साथ में रिलेट करके तो बैंड में आप देखेंगे कि पहले जो मैक्सिम पोटराइटिंग थी वो 160 में थी उसके बाद वो 170 गई 170 से 180 और उसके बाद वो 200 और उसके बाद रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हो गया 220 हो गया तो आप देख रहे हैं कि, कि किस तरह से बॉटमिंग आउट हुआ तो ये जो फिर से हम फर्स्ट स्नेरियो में आ गए कि जहां पे बॉटम होके रिवर्सल हो गया और फिर से स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हो गया यानी पहला स्नेरियो फिर से आ गया जहां पे पीसीआर भी बढ़ रहा है और साथ में प्राइस भी बढ़ रहा है तो फ्रेंड्स इस तरह से हम आ, किसी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हमें यहां पे तीनों देखने को मिल गए सिग्नल द द बॉटमिंग आउट दैट इज डाइवर्जेंस केस द रिवर्सल और उसके बाद फिर से स्ट्रॉन्ग बोलिज सिग्नल तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था इसीलिए मैंने आईटीसी को चूज किया था क्योंकि रिसेंट मंथ्स में उसमें हमें ग्राफ में हमें वो तीनों एग्जांपल देखने को मिल गए कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें जल्दी नहीं करनी है हमें वेट करना है और किस तरह से पीसीआर को ही यूज करके हम एक अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छी ट्रेड्स इसमें ढूंढ सकते हैं चाहे आप ऑप्शन सेलर्स हो या ऑप्शन बायर्स हो या फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हो या स्टॉक्स में भी बाइंग कर रहे हो तो अगर आप नियर टर्म का परस्पेक्टिव रखते हैं तो किस तरह से आप वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी डेरिवेटिव डेटा और फ्रेंड्स अगर इसको आप फ्यूचर्स के डेटा के साथ कंबाइन कर लें तो फिर ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है और आपकी एनालिसिस और स्ट्रांग हो जाती है और आपकी जो कॉन्फिडेंस है जो ट्रे, ट्रेड लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाती है वो कैसे वो भी हम देख लेते हैं तो लास्ट एक डेटा पॉइंट इसमें और करते हैं अभी हमने सिर्फ दो डेटा पॉइंट पीसीआर लेवल और ओ बैंड हमने अभी ओआई बैंड को देखा है ऑप्शन चेन का डेटा तो बेसिकली ओआई बैंड इज नथिंग बट कमिंग फ्रॉम द ऑप्शन चेन ओनली क्योंकि हम उसमें से दो स्ट्राइक प्राइसेस का हिस्टोरिकल ट्रेंड दिखा रहे हैं मैक्सिमम राइटिंग का है और मैक्सिमम कॉल राइटिंग का है तो इसमें तो अभी हमने दो डेटा पॉइंट देखे पीसीआर का ट्रेंड विद द स्ट्राइक प्राइस सॉरी विद द एक्चुअल प्राइस जो हम ये इस ग्राफ में देख रहे हैं और साथ में हमने ऑप्शन चेन को देख रहे हैं कि किन स्ट्राइक प्राइसेस पे एक्चुअली पुट राइटिंग हो रही है ओके okay, और फिर हमें देखना है उसको लास्ट डेटा पॉइंट और एक ऐड कर देते हैं दैट इज फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट तो फ्रेंड्स अब जब देखेंगे कि जो अगर हम उसी स्टार्ट से देखें तो जहां पर स्टॉक गिरना शुरू हुआ था तो आप देखेंगे कि स्टॉक जब गिरना शुरू हुआ तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा लोग शॉर्ट पोजिशन बना रहे थे मैसिव शॉर्ट पोजिशन आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स का बढ़ रहा है तो और वो अक्टूबर में कंटिन्यू रहा उसके बाद जैसे ही प्राइस रिवर्स हुआ आप देखेंगे फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो गई यानी अगर फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो नहीं शॉर्ट कवरिंग तो जिन लोगों ने पिछले दो महीने यानी अगस्त और सितंबर में शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी और अक्टूबर में कॉन्सल्टेशन चला उसके बाद उन्होंने अपनी शॉर्ट को कवर करना शुरू किया और देखिए कैसा स्पाइक आया प्राइस में और शॉर्ट पोजिशंस फिर वो अनवाइंड होनी मतलब कवर होनी शुरू हो गई तो फ्रेंड्स ये फ्यूचर्स के डेटा के साथ जब हमने इसको और कंबाइन कर दिया तो हमें एक बहुत अच्छी पिक्चर समझ में आ गई पूरी क्लियर पिक्चर कि फ्यूचर सेगमेंट में और ऑप्शंस के डेटा को मिला के और पीसीआर को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं और एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मेरा यही पॉइंट था आपको एक्सप्लेन करने का कि पीसीआर को यूज करके और साथ में उसको दो तीन डेटा पॉइंट्स के साथ और कंबाइन करके आप एक अच्छी ट्रेड कैसे ढूंढ सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो को लेके या पीसीआर को लेके तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर करेंगे और आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए अगर आप इस डैशबोर्ड को यूज कर रहे हैं तो इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए ताकि आप इसी तरह से इसकी एनालिसिस कर सकें सो फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे जो वीकली एनालिसिस के वीडियोज हैं डेली मार्केट एनालिसिस के जो वीडियोज हैं और जो हम डेरिवेटिव एनालिसिस के जो वीडियोज बना रहे हैं स्टार्टिंग विद विदीसीआर वो आपको उसके रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहें क्योंकि आगे हम और भी डिटेल में टॉपिक्स कवर करेंगे जो भी हमने इंडिकेटर्स अपने डैशबोर्ड में दिखाए हैं वो हम आगे और कवर करेंगे डिटेल में कि किस तरह से उन इंडिकेटर्स को एनालाइज करके पूरे होलिस्टिक वे में आप एक एनालिसिस कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन एक इफेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं सो फ्रेंड्स सी यू इन अनदर वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय